तो हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत करते हैं फिर से अपनी एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो आज की वीडियो में एक भाई का क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैं आप लोग को पहले उनका क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि जैसे आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, उन्होंने हमसे पूछा है कि मैं एक्सिस बैंक का कस्टमर हूँ, मुझे एक्सिस बैंक से 10 लाख का होम लोन 10 सालों के लिए चाहिए, तो क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो इनसे मेरी स्पेशल बात हुई है थोड़ी और ज़्यादा। इन्होंने हमसे कहा था कि मुझे ये भी बता दीजिएगा कि मेरी मंथली ईएमआई कितनी बनेगी, और मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, और क्या प्रोसेसिंग फीस है, क्या इंटरेस्ट रेट है, इन सारी चीज़ों के बारे में, एक्सिस बैंक के बारे में मुझे बता दीजिएगा। और स्पेशली एक इस टॉपिक पे चीज़ बता दीजिएगा कि मंथली ईएमआई कैसे निकालेंगे, जिससे मैं अपना होम लोन का अमाउंट डाल करके अपना पर्टिकुलर मैं अपना होम लोन का अमाउंट डाल दूँ और मैं जान लूँ कि कैसे क्या कहते हैं ईएमआई मेरी बनेगी। तो आज हम लोग बात करेंगे 10 लाख का होम लोन 10 सालों के लिए। तो यहाँ पे चलो चलते हैं पहले एक्सिस बैंक के ऑफिशियल साइट पे। तो पहले इंटरेस्ट रेट देख करके हम लोग जानते हैं ईएमआई निकालने के लिए। तो एक्सिस बैंक के होम लोन के लिए हाइलाइट्स 2022, ये थोड़े मैंने पॉइंट लिखे हुए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो चल रहा है 6.75% से लेकर के 11.50%। ये फ्लोटिंग रेट है, मतलब कि ये कभी ना बदलने वाला रेट है एक्सिस बैंक की तरफ से होम लोन के लिए। ये मतलब कि ये इंटरेस्ट कभी नहीं बदलेगा, जो बंदा कभी भी लेगा 2022 में, 2022 का तक का तो मुझे कंफर्म है 2022 में कभी नहीं बदलेगा 6.75% से लेकर के 11.50% तक का। और जो अगर फिक्स रेट में अगर आप लोग इंटरेस्ट रेट लेना चाहते हैं वो है 12%। तो भाई कोई भी बंदा फिक्स रेट में नहीं लेगा, वो 12% बहुत ज़्यादा हो जाता है, और 6.75% से जब मिल रहा है तो इससे लेना हम लोग को फ्लोटिंग रेट से लेना, इंटरेस्ट रेट से पैसा ले होम लोन लेना ज़्यादा प्रिफर रहेगा। तो चलो पहले ईएमआई कैलकुलेटर पे चलते हैं। तो ईएमआई कैलकुलेटर पे आ चुके हैं, ये बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर है एक्सिस बैंक का। तो एक्सिस बैंक का ईएमआई कैलकुलेटर मैंने ओपन कर लिया है। तो ओपन करने के बाद ये यहाँ पे आप लोग को तीन ऑप्शन देखते हुए मिलते हैं, तो मैं होम लोन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो होम लोन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक रैंडम कोई भी अमाउंट सेलेक्ट होता है, तो यहाँ पे मैं पहले अपना अमाउंट सेलेक्ट करके डाल देता हूँ 10 लाख। तो यहाँ पे मैंने अमाउंट डाल दिया 10 लाख, और इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा था फिर से मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। इंटरेस्ट रेट चल रहा है 6.75%, 6.75% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 6.75% का इंटरेस्ट रेट डाल दिया, वो भी लोन कितने साल, 10 लाख का लोन 10 सालों के लिए चाहिए था, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 10 साल। तो हम लोग की जो मंथली ईएमआई बनेगी जाकर के, तो ये जो ईएमआई कैलकुलेटर है इसकी लिंक भी मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है, जिससे आप लोग को इसको आप लोग का पर्टिकुलर यूज करके आसानी से समझ सकें, अपना अमाउंट भी डाल करके आसानी से समझ सकें। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो हम लोग की 10 लाख पर 10 साल के लिए जो ये मंथली ईएमआई बनेगी वो बनेगी 11,482 रुपये हम लोग की मंथली ईएमआई बनेगी, जो उसमें हम लोग का देख सकते हैं कि ये 72% प्रिंसिपल अमाउंट है और 27% हम लोग का टोटल इंटरेस्ट है, मतलब कि एक तिहाई इंटरेस्ट लग रहा है 10 सालों में 10 लाख रुपये पर, और वो भी 6.75% के इंटरेस्ट पे। जो टोटल इंटरेस्ट देना पड़ेगा 10 सालों में और 10 लाख के अमाउंट पर, तो हम लोग को देना पड़ेगा 3,77,889 रुपये हम लोग को टोटल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर इसी जगह देखा जाए कि टोटल पेमेंट और प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब कि टोटल पेमेंट कितनी देनी पड़ेगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके, जो हम लोग को अमाउंट देना पड़ेगा बैंक को, वो देना पड़ेगा 13,77,889 रुपये हम लोग को देना पड़ेगा। अगर देखो इस ईएमआई कैलकुलेटर की मुझे एक बात बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है कि आप लोग देखो नीचे आओगे ना तो एक ग्राफ मिल जाता है, जिसमें आप लोग को पता चल जाता है कि रैंडम मुझे 2022 में कितना अमाउंट देना पड़ेगा, 2024 में, 25 में, 23 में, तो ऐसे आप लोग को यहाँ पे पता चल जाता है। अगर इन ग्राफ से नहीं पता चलता तो यहाँ पे एक आप लोग को चार्ट मिल जाता है, आसानी से यहाँ पे आप लोग चार्ट के माध्यम से चीज़ें समझना बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे मेरे को पता करना है कि 2022 में मेरा टोटल पैसा, टोटल अमाउंट कितना जाएगा बैंक को, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंसिपल अमाउंट आप लोग का 60,000 जाएगा, और उसके साथ जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो 54,744 रुपये लगेगा, तो टोटल पेमेंट हम लोग को जाएगी 1,14,824 रुपये। तो देख सकते हैं कि आप लोग के प्रिंसिपल अमाउंट से वो मतलब कि पर्टिकुलर अमाउंट आप लोग का 1 लाख घट गया, और जो जो अमाउंट बचा वो आप लोग का यहाँ लग सकता लग गया। तो आप लोग यहाँ देख सकते लोन पे टू डेट भी आप लोग समझ में आती है, 6% के डेट से हम लोग को चीज़ें समझ में मिल गई, कट गई। अगर ये भी हम लोग को पता लगाना कि 2022 के मुझे
जून में कितना पैसा देना पड़ेगा, तो मुझे ये भी ये चीज़ भी आसानी से पता चल जाती है। जैसे मैं ये 2022 के पास क्लिक करता हूँ और मुझे जून का महीना देखना है कि जून के महीने मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा, तो जून के महीने में आप लोग देख सकते हैं कि मुझे देना पड़ेगा 5,956 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा, 5,525 रुपये इंटरेस्ट रेट हो जाएगा, तो उसके साथ मेरा 11,482 रुपये मेरा टोटल पेमेंट जाएगी मई के जून के 2022 के जून में। अगर देखो कोई भी रैंडम बंदा आपसे पूछ लेता है कि आपको क्या कहते हैं 2027 के जनवरी के महीने में कितनी आपकी ईएमआई जाएगी, तो आप लोग बता सकते हो, 2027 का चार्ट खोलो, तुरंत आप लोग बता सकते हैं कि हाँ 8,109 रुपये मेरी जाएगी टोटल प्रिंसिपल अमाउंट और 3,372 रुपये मेरा इंटरेस्ट रेट जाएगा, तो उसके साथ मेरा जो टोटल अमाउंट बनेगा 2027 के जनवरी में, तो हम लोग को 11,482 रुपये की मेरी ईएमआई बनेगी मंथली। यहाँ पे देखो इस ईएमआई कैलकुलेटर से ये चीज़ें जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़, और एक चीज़ और है देखो, ये आप लोग यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है कि इसको आप लोग प्रिंट आउट निकलवा करके अपने कागज़ में रख सकते हो, जो बैंक के कागज आगज है ना वहाँ पे आप लोग रख सकते हो, नहीं तो पीडीएफ बना करके अपने मोबाइल में लैपटॉप में कहीं पर भी सेव कर सकते हैं, जिससे आप लोग को आसानी रहेगी, चीज़ें बाद में बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा, एक इंटरेस्ट रेट पर आप लोग को हर एक चीज़ पता चल जाएगी। तो ये रही बात जा करके 10 लाख के लिए 6.75% इंटरेस्ट पे मंथली ईएमआई, तो मैंने आप लोग को ईएमआई कैलकुलेटर भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो जा करके तुरंत चेकआउट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपना अमाउंट पहले देखो, लोन लेने से पहले हर चीज देख लेनी चाहिए कि क्या इंटरेस्ट रेट लग रहा है, क्या अमाउंट चल रहा है और कितना, मतलब कि हर चीजें एक बार निचोड़ लेना चाहिए पहले होम लोन लेने से पहले। तो अब चलते हैं क्या क्या मुझे डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, तो पहले इंटरेस्ट रेट के बाद लोन अमाउंट भी जान लेते हैं कि कितना लोन अमाउंट ये लोग होम लोन के लिए दे रहे हैं। तो इंटरेस्ट रेट चल रहा था 6.75% से 11.50% तक का फ्लोटिंग रेट है, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट चल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जो लोन अमाउंट दे रहे हैं ये लोग एक्सिस बैंक वाले, वो दे रहे हैं 1 लाख से लेकर के 5 करोड़ तक का आप लोग को लोन अमाउंट दे रहे हैं, बहुत बढ़िया है। और लोन टेन्योर की बात करें तो 30 सालों के लिए आप लोग को लोन टेन्योर दे रहे हैं, मतलब 30 सालों तक आप लोग कोई भी बीच में आप लोग आराम से 30 सालों के लिए दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा है भाई, हैवी है। और प्रोसेसिंग फीस देखी जाए तो प्रोसेसिंग फीस आप लोग का 1%, मतलब मिनिमम 10,000 रुपये आप लोग की प्रोसेसिंग फीस होगी। देखो मतलब अगर आपने 10 लाख का होम लोन लिया तो उससे 1% आप लोग का काट लेंगे प्रोसेसिंग फीस। ये हो गए इनकी थोड़े लोन की हाइलाइट्स पॉइंट। अगर बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की कि डॉक्यूमेंट्स का क्या रिक्वायरमेंट रहेगा, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट फॉर एक्सिस बैंक होम लोन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर ड्यूली फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब कि आप लोग को पूरा फिल करना होगा फॉर्म। आईडी प्रूफ के लिए देखो क्या क्या चाहिए होगा, आधार कार्ड, पासपोर्ट भी चल जाएगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय आईडी कार्ड चल भी जाएगा, वोटर आईडी कार्ड भी चल जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस भी चल जाएगा, फोटो आईडी इशू बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी चल जाएगा, ये सब चीज़ें आप लोग की गवर्नमेंट की तरफ से जो इशू होती है ना वो थोड़ी बहुत मैच खाते हुए आप लोग के चल जाएंगे। आईडी कार्ड के लिए देखो आधार कार्ड सबके पास ही होता है, सबके पास होता है, वोटर आईडी कार्ड भी होता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी, ये आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस तो आम है कि सबके पास होता है, ये आप लोग डॉक्यूमेंट्स के लिए दे सकते हैं आईडी प्रूफ के लिए। एड्रेस प्रूफ के लिए आप लोग को भी आधार कार्ड है तो भी आप लोग के पास चल जाएगा, अगर देखो ड्राइविंग लाइसेंस भी यहाँ पे देखो दिखाया है तो ड्राइविंग लाइसेंस भी है तो भी चल जाएगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय आईडी भी है तो भी चल जाएगा, वोटर आईडी भी है तो भी चल जाएगा, फोटो आईडी इशू बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चल जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी चल जाएगा, टेलीफोन बिल भी चल जाएगा, गैस बिल चल जाएगा, प्रॉपर्टी टैक्स रेसिपेक्ट भी चल जाएगा। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आप लोग को क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि थर्ड ऑप्शन थर्ड आया है डेट ऑफ बर्थ के लिए आप लोग को क्या देना पड़ेगा, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आप लोग को पासपोर्ट चल जाएगा, पैन कार्ड चल जाएगा, आधार कार्ड चल जाएगा, बर्थ सर्टिफिकेट चल जाएगा, SSC मार्कशीट चल जाएगी, SSC की मार्कशीट चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सिग्नेचर प्रूफ के लिए आप लोगों को क्या चाहिए होगा, पासपोर्ट चाहिए होगा, पैन कार्ड चाहिए होगा, और बैंकर्स वेरिफिकेशन चाहिए होगा, और नाटोरिज्म एफिडाटा, ये देखो फालतू का है, आप लोगों के पास पासपोर्ट पैन कार्ड ये बहुत ज़्यादा ठीक है, इतनी चीज़ें सबके पास होती हैं विद एड्रेस एंड आईडी प्रूफ के साथ, ये सब चीज़ें देखो उसमें लिखी होती हैं, कोई ज़्यादा इनकम देखो इनकम प्रूफ इन्होंने लिखी नहीं। फॉर सैलरीड पर्सन के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, तो देखो पे स्लिप 3 मंथ, मतलब कि आप लोग 3 महीने की सैलरी स्लिप आप लोग को दिखानी पड़ेगी बैंक में जो आई होती है वो दिखा सकते हैं। फिर आप लोग को जो 2 ईयर्स के लिए बोनस प्रूफ फॉर पे स्लिप ऑफ 6 मंथ, मतलब कि 2 सालों में जो बोनस मिला हुआ है वो आप लोग को 6 महीने का दिखाना होगा, बैंक स्टेटमेंट दिखाना होगा 6 महीने का रिफर, तो सैलरी क्रेडिट और फ्रॉम 16 फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। देखो
कुल मिला के अगर आप जॉब कर रहे हैं तो बैंक स्टेटमेंट जितनी आप लोग की मंथली ईएमआई मतलब कि जितनी आप लोग की सैलरी आ रही हो ना, तो 3 महीने का आप लोग वो दिखा देगा तो आप लोग का काम चल जाएगा सैलरी परसेंट के लिए। देखो फॉर एनआरआई सैलरी परसेंट के लिए तो ये वो भी सेम है, कोई ज़्यादा बड़ी बात। और सेल्फ एम्प्लॉयड बनने के लिए क्या क्या दिखाना पड़ सकता है ये जरूरी है। तो देखो सेल्फ एम्प्लॉयड बंदे के लिए जो खुद अपना बिजनेस करते हैं उनके लिए देखो ITR इनकम कंप्यूटेशन दिखाना पड़ेगा, PSL बैलेंस शीट भी दिखानी पड़नी पड़ेगी, जो उनका बिल जो बिजनेस से उनका अमाउंट आ रहा है वो उनको दिखानी पड़ेगी हर मंथ वाइज, और CA सील एंड साइन ऑफ 2 ईयर्स का आप लोग को इनको दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखें कि बैंक स्टेटमेंट फॉर पर्सनल लोन एंड बिजनेस अकाउंट फॉर 6 मंथ, 6 महीने का मतलब कि जो पैसा आया हुआ बिजनेस से वो आप लोग को बैंक स्टेटमेंट का दिखाना पड़ेगा, और बिजनेस कंटिन्यू फ्रॉम 3 ईयर्स मतलब कि 3 ईयर से बिजनेस आप लोग का कंटिन्यू चल रहा हो ये दिखाना पड़ेगा, टैक्स पेड ऑफ चालान एंड CPS ITR फील्ड विद नो डिजिटल सिग्नेचर्स, मतलब इनके लिए कोई डिजिटल सिग्नेचर नहीं होंगे, इनको जाकर के बैंक पर सिग्नेचर करनी पड़ेगी, और टैक्स ऑडिटी की रिपोर्ट देखें तो इफ ग्रोज द टर्नओवर एक्सेल ₹1 करोड़ फॉर ग्रोज रिक्वायरिटी एक्सेल फॉर ₹25 लाख, मतलब कि इनका एक साल में जो रिटर्न होना चाहिए टर्नओवर का जो रिटर्न होता चाहिए वो आप लोग का होना चाहिए 1 करोड़ से लेकर के 25 लाख के बीच में, 25 लाख से लेकर के 1 करोड़ के बीच में होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक जानकारी बेसिक डॉक्यूमेंट हैं जो आप लोग को मैंने बता दी, और आगे देखो जो लिखा हुआ है इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। फॉर PMA के लिए ID प्रूफ आधार कार्ड पैन कार्ड यही सब चल रहा है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो देखो यही चीज़ें मैंने आप लोग को थोड़ी डॉक्यूमेंट के बारे में बता दी, अच्छे से समझा दिया, तो ये चीज़ें आप लोग लेकर के चले जाओगे आप लोग का मतलब कि एक्सिस बैंक में अकाउंट खुल जाएगा, होम लोन आप लोग को होम लोन एक्सिस बैंक से मिल जाएगा। तो और मैंने EMI कैलकुलेटर की लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जिस जो आप लोग खुद जाकर के चेकआउट करिएगा और अपना अमाउंट डाल करके देखिएगा कि मेरी मंथली EMI कितनी बन रही है, ये देखना ज़रूरी है। और तो तब मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं जो भी आप लोग के अंदर माइंड में क्वेश्चन चल रहे हो ना लोन से रिलेटेड कुछ भी, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उन कमेंटों को आंसर आप लोग को देता हूँ हर वीडियो बना करके। तो तब तक के लिए मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।